हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार जीके स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आ गया हूं। और आज हम देखने वाले हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, जिसका कि ये सेकेंड पार्ट है, यानी यूट्यूब पर ये सेकेंड वीडियो आ रहा है। वीडियो नंबर वन में चैप्टर वन, टू और थ्री को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है और आज हम लोग चैप्टर नंबर फोर ऑनवर्ड देखेंगे। तो चैप्टर नंबर फोर किस संदर्भ में था, तो ये था इंटरप्राइजेस सेक्टर के रिगार्डिंग। और यहां पर बिहार के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, या जो भी स्टेशनरी स्टेज कहीं देखने को मिल रहा है उन चीजों पर फोकस किया गया है। तो इन चार वर्षों के बारे में बताया गया है कि 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रहा, जिसको कि सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, तो GSVA में वो डिक्लाइन हुआ है। और केवल बिहार में ही नहीं बल्कि भारत के स्तर पर, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स, उसमें तो थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर है वहां पर हम देख रहे हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन जो है GSVA में वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। ग्रोथ की बात यहां नहीं कर रहे हैं हम, प्राइमरी सेक्टर के ग्रोथ की बात किए थे, लेकिन यहां इसका शेयर ही डिक्लाइन हो रहा है। और बिहार में ये मार्जिनली डिक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, ये 20.3% से घट के 20.1% पर आ गया है। लेकिन भारत के स्तर पर देखा जाए तो सब्सटेंशियल यहां पर डाउनफॉल है, डिटोरिएशन है, और 31.6 से ये पूरे 2% कम हो गया है और आ गया है 29.6% पर। ये बात जाना हुआ है कि हर जगह सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका शेयर जो है GSVA में बढ़ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री जो है इस तरीके से अगर कमते जाएंगी तो ये अच्छे सिंबल तो नहीं है। यहां पर काम की बात यह भी है कि वर्ष 2020-21 में हमारे जो शुगर केन का क्षेत्र है उसको देखा जाए तो यहां पर शुगर इंडस्ट्री जो है वो डिटोरिएट हो रही है। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि बिहार जो एक समय में लीडिंग प्रोड्यूसर था शुगर केन का, प्रोडक्ट होते हैं वो अलग बात है, बाय प्रोडक्ट 90% निकल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यह हमारी रिकवरी रेट बहुत पुअर है अगर वैश्विक स्तर से तुलना किया जाए या साउदर्न स्टेट से तुलना किया जाए। तो जो शुगर केन क्रश किया जा रहा है, जो शुगर प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये बहुत कम रहा वर्ष 2020-21 के लिए अगर 2019-20 से तुलना किया जाए। और इसके पीछे का जो वजह है वो COVID-19 पेंडेमिक ही है। वर्ष 2019-20 और 21-22 की अगर बात की जाए तो जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो तेजी से बढ़ी हैं, यानी कि जो पहले मॉडल हम कहते थे कोऑपरेटिव का, सहकारिता का, कि गुजरात का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र वही सहकारिता के लिए जाना जाता है, तो ऐसी बात अब नहीं है। बिहार भी उस लीग में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये जो कॉम्फेड है, यानी कि जिनके ये पूरा सुधा मिल्क उद्योग लिमिटेड का पूरा आप देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव है, तो ये एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन है फॉर डेयरी डेवलपमेंट। और इसमें हम देखते हैं कि हर तरीके का ग्रोथ नजर आ रहा है, मेंबरशिप से लेके मिल्क प्रोडक्शन, एवरीथिंग। और जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पर टोटल देख रहे हैं कि करीब 1918 प्रपोजल्स जो आए हैं इन्वेस्टमेंट्स के, और वो 54,761 करोड़ के हैं इन चार वर्षों में, यानी अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2021 तक। और इन टोटल जो प्रपोजल्स हैं 1900 प्रपोजल्स में से 342 प्रपोजल्स जो हैं ये फंक्शनल हैं एट प्रेजेंट। और यहाँ पर करीब 10,800 लोगों को, करीब 11,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। वैसे तो बिहार की आबादी जो है करीब 11 करोड़ हो चुकी है और यहाँ पर ये 11,000 लोगों को रोजगार नया मिला, तो ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है, इस बात को समझना है। लेकिन एटलीस्ट हम कहीं अच्छे जगह पहुँच रहे हैं, कुछ तो ग्रोथ हो रहा है, इस तरीके से आप यहाँ चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है, बहुत लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन उस डायरेक्शन में और सही ढंग से काम किया जाए तो। बिहार में जो तीन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं इसमें इथेनॉल काफ़ी बढ़ा चढ़ा है इधर पिछले वर्षों, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा।
रिन्यूएबल एनर्जी की तो वैश्विक स्तर पर बात हो रही है कि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को छोड़ना है, वो पॉल्यूशन भी कर रहे हैं और वो खत्म भी होने वाले हैं, तो रिन्यूएबल में शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन चीज़ों की बात करते हैं। और दिसंबर 2021 तक की अगर बात कर ली जाए तो जो इथेनॉल सेक्टर है ये फर्स्ट स्टेज क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया 159 यूनिट्स को, ह्यूज नंबर है ठीक है। और यहाँ पर 32,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और ये अकेले 57% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट में। वैसे भी आप देख लीजिए कि ये 32,000 है और ये 54,000 है, तो 50% से ज्यादा तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 57 एग्जैक्ट में। और ऑक्सीजन प्रोडक्शन वगैरह की बात की गई थी, मेडिकल पर्पस के लिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है और उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई प्रमोट करने के लिए, बट ये शॉर्ट टर्म था और कोविड-19 पेंडेमिक से इसका डायरेक्ट नाता है और इसका बहुत लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट सोच के ये तब नहीं हुआ था, इस बात को समझना है। और जैसे बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट का जो पूरा काम हो रहा है और इसके लिए बियाडा यहाँ पर एजेंसी है और इंडस्ट्रियल एरिया को ये रिकॉग्नाइज करता है अलग अलग जगहों पर, और यहाँ पर देखते हैं हाई प्रायोरिटी सेक्टर एक रखा गया है और फूड प्रोसेसिंग जो है ये टॉप पोजीशन पर रहा। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बियाडा के हाई प्रायोरिटी में कौन सा सेक्टर रहा, तो फूड प्रोसेसिंग रहा। और स्टार्टअप बिहार पॉलिसी है वो 4 साल पुरानी हो गई, 2017 की है, और ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है नए जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने में, यानी नए तरीके के उद्यमी जो है वो आगे निकल के आ रहे हैं। तो इन फिगर्स वगैरह पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ क्या स्कीम्स हैं ये तो हम जान ही सकते हैं। तो 200 करोड़ रुपया जो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए और 200 करोड़ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, यानी ये महिलाओं के लिए और यूथ को एंटरप्रेन्योर टेंडेंसी जो है उनमें इनकलकेट करने के लिए ये सब लाया जा रहा है। और इस तरीके की जो उद्यमिता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है, यहाँ के यूथ्स के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए ये फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EBC उद्यमी योजना इस तरीके से लाया गया है, उसको बहुत ज्यादा ब्रॉडन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को इसमें समाहित किया जा सके ठीक। अब यहां पर हम थोड़ा देख लेते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। तो बिहार में जो मेन प्रोडक्ट्स हैं सुगर है और मिल्क है। सुगर की कहानी हम देख लिए, हमारा 10% रिकवरी रेट है अभी के लिए। और अभी के लिए जो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है जिसको कि बायोफ्यूल कहते हैं, जो कि क्लीन एनर्जी है, और उसमें बिहार काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तो शुगर मिल के बायो प्रोडक्ट से, तो उनसे जो बगासी वगैरह निकलते हैं फिर उनको इस तरीके से प्रोसेस करके इथेनॉल बनाते हैं और बिजली उजली भी प्रोड्यूस हो सकती है उससे। ये सब बिहार में अभी के लिए 11 शुगर मिल्स हैं और इसमें से 10 जो हैं ये फंक्शनल थे 2020-21 में। अब यहाँ 10% रिकवरी रेट वाली कहानी है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 का इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, ये BPSC मेंस में है इन्वेस्टमेंट्स के, और वो 54,761 करोड़ के हैं इन 4 वर्षों में, यानी अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2021 तक। और इन टोटल जो प्रपोजल्स हैं 1900 प्रपोजल्स में से 342 प्रपोजल्स जो हैं ये फंक्शनल हैं एट प्रेजेंट, और यहाँ पर करीब 10,800 लोगों को, करीब 11,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। वैसे तो बिहार की आबादी जो है करीब 11 करोड़ हो चुकी है और यहाँ पर ये 11,000 लोगों को रोजगार नया मिला, तो ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है, इस बात को समझना है। लेकिन एटलीस्ट हम कहीं अच्छे जगह पहुँच रहे हैं, कुछ तो ग्रोथ हो रहा है, इस तरीके से आप यहाँ चीज़ों को देख सकते हैं ओके। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है, बहुत लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन उस डायरेक्शन में और सही ढंग से काम किया जाए तो। बिहार में जो 3 अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं इसमें इथेनॉल काफ़ी बढ़ा चढ़ा है इधर पिछले वर्षों, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी की तो वैश्विक स्तर पर बात हो रही है कि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को छोड़ना है, वो पॉल्यूशन भी कर रहे हैं और वो खत्म भी होने वाले हैं, तो रिन्यूएबल में शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन चीज़ों की बात करते हैं। और दिसंबर 2021 तक की अगर बात कर ली जाए तो जो इथेनॉल सेक्टर है ये फर्स्ट स्टेज क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया 159 यूनिट्स को, ह्यूज नंबर है ठीक है। और यहाँ पर 32,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और ये अकेले 57% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट में।
वैसे भी आप देख लीजिए कि ये 32,000 है और ये 54,000 है, तो 50% से ज्यादा तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 57 एग्जैक्ट में। और ऑक्सीजन प्रोडक्शन वगैरह की बात की गई थी, मेडिकल पर्पस के लिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है और उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई प्रमोट करने के लिए, बट ये शॉर्ट टर्म था और COVID-19 पेंडेमिक से इसका डायरेक्ट नाता है और इसका बहुत लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट सोच के ये तब नहीं हुआ था, इस बात को समझना है। और जैसे बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट का जो पूरा काम हो रहा है और इसके लिए बियाडा यहाँ पर एजेंसी है और इंडस्ट्रियल एरिया को ये रिकॉग्नाइज करता है अलग अलग जगहों पर, और यहाँ पर देखते हैं हाई प्रायोरिटी सेक्टर एक रखा गया है और फूड प्रोसेसिंग जो है ये टॉप पोजिशन पर रहा। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बियाडा के हाई प्रायोरिटी में कौन सा सेक्टर रहा, तो फूड प्रोसेसिंग रहा। और स्टार्टअप बिहार पॉलिसी है वो 5 साल पुरानी हो गई, 2017 की है, और ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है नए जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने में, यानी नए तरीके के उद्यमी जो है वो आगे निकल के आ रहे हैं। तो इन फिगर्स वगैरह पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ क्या स्कीम्स हैं ये तो हम जान ही सकते हैं। तो 200 करोड़ रुपया जो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए और 200 करोड़ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, यानी ये महिलाओं के लिए और यूथ को एंटरप्रेन्योर टेंडेंसी जो है उनमें इनकलकेट करने के लिए ये सब लाया जा रहा है। और इस तरीके की जो उद्यमिता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए ये फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EBC उद्यमी योजना इस तरीके से लाया गया है, उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इसमें समाहित किया जा सके। ठीक, अब यहां पर हम थोड़ा देख लेते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। तो बिहार में जो मेन प्रोडक्ट्स हैं सुगर है और मिल्क है। सुगर की कहानी हम देख लिए, हमारा 10% रिकवरी रेट है अभी के लिए। और अभी के लिए जो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है जिसको कि बायोफ्यूल कहते हैं, जो कि क्लीन एनर्जी है, और उसमें बिहार काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तो शुगर मिल के बायो प्रोडक्ट से, तो उनसे जो बगासी वगैरह निकलते हैं फिर उनको इस तरीके से प्रोसेस करके इथेनॉल बनाते हैं और बिजली उजली भी प्रोड्यूस हो सकती है उससे। ये सब बिहार में अभी के लिए 11 शुगर मिल्स हैं और इसमें से 10 जो हैं ये फंक्शनल थे 2020-21 में। अब यहाँ 10% रिकवरी रेट वाली कहानी है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 का इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, ये BPSC मेंस में है इन्वेस्टमेंट्स के, और वो 54,761 करोड़ के हैं इन 4 वर्षों में, यानी अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2021 तक। और इन टोटल जो प्रपोजल्स हैं 1900 प्रपोजल्स में से 342 प्रपोजल्स जो हैं ये फंक्शनल हैं एट प्रेजेंट, और यहाँ पर करीब 10,800 लोगों को, करीब 11,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। वैसे तो बिहार की आबादी जो है करीब 11 करोड़ हो चुकी है और यहाँ पर ये 11,000 लोगों को रोजगार नया मिला, तो ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है, इस बात को समझना है। लेकिन एटलीस्ट हम कहीं अच्छे जगह पहुँच रहे हैं, कुछ तो ग्रोथ हो रहा है, इस तरीके से आप यहाँ चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है, बहुत लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन उस डायरेक्शन में और सही ढंग से काम किया जाए। तो बिहार में जो 3 अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं इसमें इथेनॉल काफ़ी बढ़ा चढ़ा है इधर पिछले वर्षों, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी की तो वैश्विक स्तर पर बात हो रही है कि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को छोड़ना है, वो पॉल्यूशन भी कर रहे हैं और वो ख़त्म भी होने वाले हैं, तो रिन्यूएबल में शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन चीज़ों की बात करते हैं। और दिसंबर 2021 तक की अगर बात कर ली जाए तो जो इथेनॉल सेक्टर है ये फर्स्ट स्टेज क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया 159 यूनिट्स को, ह्यूज नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर 32,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और ये अकेले 57% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट में। वैसे भी आप देख लीजिए कि ये 32,000 है और ये 54,000 है, तो 50% से ज़्यादा तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 57 एग्जैक्ट में।
और ऑक्सीजन प्रोडक्शन वगैरह की बात की गई थी, मेडिकल पर्पस के लिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है और उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई प्रमोट करने के लिए, बट ये शॉर्ट टर्म था और COVID-19 पेंडेमिक से इसका डायरेक्ट नाता है और इसका बहुत लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट सोच के ये तब नहीं हुआ था, इस बात को समझना है। और जैसे बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट का जो पूरा काम हो रहा है और इसके लिए बियाडा यहाँ पर एजेंसी है और इंडस्ट्रियल एरिया को ये रिकॉग्नाइज करता है अलग अलग जगहों पर, और यहाँ पर देखते हैं हाई प्रायोरिटी सेक्टर एक रखा गया है और फूड प्रोसेसिंग जो है ये टॉप पोजीशन पर रहा। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बियाडा के हाई प्रायोरिटी में कौन सा सेक्टर रहा, तो फूड प्रोसेसिंग रहा। और स्टार्टअप बिहार पॉलिसी है वो 4 साल पुरानी 5 साल पुरानी हो गई, 2017 की है, और ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है नए जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने में, यानी नए तरीके के उद्यमी जो है वो आगे निकल के आ रहे हैं। तो इन फिगर्स वगैरह पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ क्या स्कीम्स हैं ये तो हम जान ही सकते हैं। तो 200 करोड़ रुपया जो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए और 200 करोड़ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, यानी ये महिलाओं के लिए और यूथ को एंटरप्रेन्योर टेंडेंसी जो है उनमें इनकलकेट करने के लिए ये सब लाया जा रहा है। और इस तरीके की जो उद्यमिता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है, यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए ये फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EBC उद्यमी योजना इस तरीके से लाया गया है, उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इसमें समाहित किया जा सके। ठीक, अब यहां पर हम थोड़ा देख लेते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। तो बिहार में जो मेन प्रोडक्ट्स हैं सुगर है और मिल्क है। सुगर की कहानी हम देख लिए, हमारा 10% रिकवरी रेट है अभी के लिए। और अभी के लिए जो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है जिसको कि बायोफ्यूल कहते हैं, जो कि क्लीन एनर्जी है, और उसमें बिहार काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तो शुगर मिल के बायो प्रोडक्ट से, तो उनसे जो बगासी जो वगैरह निकलते हैं फिर उनको इस तरीके से प्रोसेस करके इथेनॉल बनाते हैं और बिजली उजली भी प्रोड्यूस हो सकती है उसे। ये सब बिहार में अभी के लिए 11 शुगर मिल्स हैं और इसमें से 10 जो हैं ये फंक्शनल थे 2020-21 में। अब यहाँ 10% रिकवरी रेट वाली कहानी है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 का इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, ये BPSC मेंस में है इन्वेस्टमेंट्स के, और वो 54,761 करोड़ के हैं इन 4 वर्षों में, यानी अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2021 तक। और इन टोटल जो प्रपोजल्स हैं 1900 प्रपोजल्स में से 342 प्रपोजल्स जो हैं ये फंक्शनल हैं एट प्रेजेंट, और यहाँ पर करीब 10,800 लोगों को, करीब 11,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। वैसे तो बिहार की आबादी जो है करीब 11 करोड़ हो चुकी है और यहाँ पर ये 11,000 लोगों को रोजगार नया मिला, तो ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है, इस बात को समझना है। लेकिन एटलीस्ट हम कहीं अच्छे जगह पहुँच रहे हैं, कुछ तो ग्रोथ हो रहा है, इस तरीके से आप यहाँ चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है, बहुत लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन उस डायरेक्शन में और सही ढंग से काम किया जाए तो। बिहार में जो 3 अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं इसमें इथेनॉल काफ़ी बढ़ा चढ़ा है इधर पिछले वर्षों, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी की तो वैश्विक स्तर पर बात हो रही है कि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को छोड़ना है, वो पॉल्यूशन भी कर रहे हैं और वो ख़त्म भी होने वाले हैं, तो रिन्यूएबल में शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन चीज़ों की बात करते हैं। और दिसंबर 2021 तक की अगर बात कर ली जाए तो जो इथेनॉल सेक्टर है ये फर्स्ट स्टेज क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया 159 यूनिट्स को, ह्यूज नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर 32,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और ये अकेले 57% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट में। वैसे भी आप देख लीजिए कि ये 32,000 है और ये 54,000 है, तो 50% से ज़्यादा तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 57 एग्जैक्ट में। और ऑक्सीजन प्रोडक्शन वगैरह की बात की गई थी, मेडिकल पर्पस के लिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है और उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई प्रमोट करने के लिए, बट ये शॉर्ट टर्म था और COVID-19 पेंडेमिक से इसका डायरेक्ट नाता है और इसका बहुत लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट सोच के ये तब नहीं हुआ था, इस बात को समझना है। और जैसे बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट का जो पूरा काम हो रहा है और इसके लिए बियाडा यहाँ पर एजेंसी है और इंडस्ट्रियल एरिया को ये रिकॉग्नाइज करता है अलग अलग जगहों पर, और यहाँ पर देखते
हैं हाई प्रायोरिटी सेक्टर एक रखा गया है और फूड प्रोसेसिंग जो है ये टॉप पोजीशन पर रहा। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बियाडा के हाई प्रायोरिटी में कौन सा सेक्टर रहा, तो फूड प्रोसेसिंग रहा। और स्टार्टअप बिहार पॉलिसी है वो 4 साल पुरानी 5 साल पुरानी हो गई, 2017 की है, और ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है नए जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने में, यानी नए तरीके के उद्यमी जो हैं वो आगे निकल के आ रहे हैं। तो इन फिगर्स वगैरह पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ क्या स्कीम्स हैं ये तो हम जान ही सकते हैं। तो 200 करोड़ रुपया जो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए और 200 करोड़ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, यानी ये महिलाओं के लिए और यूथ को एंटरप्रेन्योर टेंडेंसी जो है उनमें इनकलकेट करने के लिए ये सब लाया जा रहा है। और इस तरीके की जो उद्यमिता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है, यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए ये फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EBC उद्यमी योजना इस तरीके से लाया गया है, उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इसमें समाहित किया जा सके। ठीक, अब यहां पर हम थोड़ा देख लेते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। तो बिहार में जो मेन प्रोडक्ट्स हैं सुगर है और मिल्क है। सुगर की कहानी हम देख लिए, हमारा 10% रिकवरी रेट है अभी के लिए। और अभी के लिए जो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है जिसको कि बायोफ्यूल कहते हैं, जो कि क्लीन एनर्जी है, और उसमें बिहार काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तो शुगर मिल के बायो प्रोडक्ट से, तो उनसे जो बगासी वगैरह निकलते हैं फिर उनको इस तरीके से प्रोसेस करके इथेनॉल बनाते हैं और बिजली उजली भी प्रोड्यूस हो सकती है उससे। ये सब बिहार में अभी के लिए 11 शुगर मिल्स हैं और इसमें से 10 जो हैं ये फंक्शनल थे 2020-21 में। अब यहाँ 10% रिकवरी रेट वाली कहानी है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 का इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, ये BPSC मेंस में है इन्वेस्टमेंट्स के, और वो 54,761 करोड़ के हैं इन 4 वर्षों में, यानी अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2021 तक। और इन टोटल जो प्रपोजल्स हैं 1900 प्रपोजल्स में से 342 प्रपोजल्स जो हैं ये फंक्शनल हैं एट प्रेजेंट, और यहाँ पर करीब 10,800 लोगों को, करीब 11,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। वैसे तो बिहार की आबादी जो है करीब 11 करोड़ हो चुकी है, और यहाँ पर ये 11,000 लोगों को रोजगार नया मिला, तो ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है, इस बात को समझना है। लेकिन एटलीस्ट हम कहीं अच्छे जगह पहुँच रहे हैं, कुछ तो ग्रोथ हो रहा है, इस तरीके से आप यहाँ चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है, बहुत लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन उस डायरेक्शन में और सही ढंग से काम किया जाए। तो बिहार में जो 3 अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं इसमें इथेनॉल काफ़ी बढ़ा चढ़ा है इधर पिछले वर्षों, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी की तो वैश्विक स्तर पर बात हो रही है कि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को छोड़ना है, वो पॉल्यूशन भी कर रहे हैं और वो ख़त्म भी होने वाले हैं, तो रिन्यूएबल में शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन चीज़ों की बात करते हैं। और दिसंबर 2021 तक की अगर बात कर ली जाए तो जो इथेनॉल सेक्टर है ये फर्स्ट स्टेज क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया 159 यूनिट्स को, ह्यूज नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर 32,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और ये अकेले 57% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट में। वैसे भी आप देख लीजिए कि ये 32,000 है और ये 54,000 है, तो 50% से ज़्यादा तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 57 एग्जैक्ट में। और ऑक्सीजन प्रोडक्शन वगैरह की बात की गई थी, मेडिकल पर्पस के लिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है और उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई प्रमोट करने के लिए, बट ये शॉर्ट टर्म था और COVID-19 पेंडेमिक से इसका डायरेक्ट नाता है और इसका बहुत लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट सोच के ये तब नहीं हुआ था, इस बात को समझना है। और जैसे बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट का जो पूरा काम हो रहा है और इसके लिए बियाडा यहाँ पर एजेंसी है और इंडस्ट्रियल एरिया को ये रिकॉग्नाइज करता है अलग अलग जगहों पर, और यहाँ पर देखते हैं हाई प्रायोरिटी सेक्टर एक रखा गया है और फूड प्रोसेसिंग जो है ये टॉप पोजिशन पर रहा। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बियाडा के हाई प्रायोरिटी में कौन सा सेक्टर रहा, तो फूड प्रोसेसिंग रहा। और स्टार्टअप बिहार पॉलिसी है वो 4 साल पुरानी 5 साल पुरानी हो गई, 2017 की है, और ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है नए जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने में, यानी नए तरीके के उद्यमी जो हैं वो आगे निकल के आ रहे हैं।
तो इन फिगर्स वगैरह पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ क्या स्कीम्स हैं ये तो हम जान ही सकते हैं। तो 200 करोड़ रुपया जो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए और 200 करोड़ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, यानी ये महिलाओं के लिए और यूथ को एंटरप्रेन्योर टेंडेंसी जो है उनमें इनकलकेट करने के लिए ये सब लाया जा रहा है। और इस तरीके की जो उद्यमिता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है, यहाँ के यूथ्स के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए ये फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EBC उद्यमी योजना इस तरीके से लाया गया है, उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इसमें समाहित किया जा सके। ठीक, अब यहां पर हम थोड़ा देख लेते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। तो बिहार में जो मेन प्रोडक्ट्स हैं सुगर है और मिल्क है। सुगर की कहानी हम देख लिए, हमारा 10% रिकवरी रेट है अभी के लिए। और अभी के लिए जो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है, जिसको कि बायोफ्यूल कहते हैं, जो कि क्लीन एनर्जी है, और उसमें बिहार काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तो शुगर मिल के बायो प्रोडक्ट से, तो उनसे जो बगासीज वगैरह निकलते हैं, फिर उनको इस तरीके से प्रोसेस करके इथेनॉल बनाते हैं और बिजली उजली भी प्रोड्यूस हो सकती है उससे। ये सब बिहार में अभी के लिए 11 शुगर मिल्स हैं, और इसमें से 10 जो हैं ये फंक्शनल थे 2020-21 में। अब यहाँ 10% रिकवरी रेट वाली कहानी है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 का इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, ये BPSC मेंस में है इन्वेस्टमेंट्स के, और वो 54,761 करोड़ के हैं इन 4 वर्षों में, यानी अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2021 तक। और इन टोटल जो प्रपोजल्स हैं 1900 प्रपोजल्स में से 342 प्रपोजल्स जो हैं ये फंक्शनल हैं एट प्रेजेंट, और यहाँ पर करीब 10,800 लोगों को, करीब 11,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। वैसे तो बिहार की आबादी जो है करीब 11 करोड़ हो चुकी है, और यहाँ पर ये 11,000 लोगों को रोजगार नया मिला, तो ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है, इस बात को समझना है। लेकिन एटलीस्ट हम कहीं अच्छे जगह पहुँच रहे हैं, कुछ तो ग्रोथ हो रहा है, इस तरीके से आप यहाँ चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है, बहुत लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन उस डायरेक्शन में और सही ढंग से काम किया जाए। तो बिहार में जो 3 अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, इसमें इथेनॉल काफ़ी बढ़ा चढ़ा है इधर पिछले वर्षों, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी, यानी अक्षय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी की तो वैश्विक स्तर पर बात हो रही है कि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को छोड़ना है, वो पॉल्यूशन भी कर रहे हैं और वो ख़त्म भी होने वाले हैं, तो रिन्यूएबल में शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन चीज़ों की बात करते हैं। और दिसंबर 2021 तक की अगर बात कर ली जाए, तो जो इथेनॉल सेक्टर है, ये फर्स्ट स्टेज क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया 159 यूनिट्स को, ह्यूज नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर 32,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, और ये अकेले 57% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट में। वैसे भी आप देख लीजिए कि ये 32,000 है और ये 54,000 है, तो 50% से ज़्यादा तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 57% एग्जैक्ट में। और ऑक्सीजन प्रोडक्शन वगैरह की बात की गई थी, मेडिकल पर्पस के लिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है, और उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई प्रमोट करने के लिए, बट ये शॉर्ट टर्म था और COVID-19 पेंडेमिक से इसका डायरेक्ट नाता है, और इसका बहुत लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट सोच के ये तब नहीं हुआ था, इस बात को समझना है। और जैसे बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट का जो पूरा काम हो रहा है, और इसके लिए BIADA यहाँ पर एजेंसी है, और इंडस्ट्री